हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यू। आई एम श्योर आपने इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया होगा और तभी इसके एमसीक्यू स्टडी कर रहे हो। अगर थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं है तो एमसीक्यू समझ में नहीं आएंगे, तो सबसे पहले थ्योरी को अच्छे से स्टडी करो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। Who told that due to changing magnetic field, electric current were induced? तो सबसे पहले ये पॉइंट किसने बताया था कि जब हम एक मैग्नेट को एक वायर के पास, जैसे एक वायर हो गई, इस वायर के पास अगर नजदीक लेकर आते हैं और दूर लेकर जाते हैं, जैसे ही इसके पास हम मैग्नेट की ऐसे आगे पीछे मोशन करवाते हैं तो इस कॉइल में अपने आप ही करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना, सिर्फ मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवाने से कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये पॉइंट सबसे पहले किसने बताया था? माइकल फैराडे, जो कि यूके का साइंटिस्ट है, और जोसेफ हेनरी, जो यूएसए का साइंटिस्ट है, इन्होंने 1830 के अंदर ये इस फिनोमिना के बारे में एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर एरिया में से मीन्स एरिया ए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीन्स बी, क्रॉस कर जाएंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? बी डॉट ए। डॉट का मतलब हो गया इस एरिया के बीच में कितना एंगल है। जो हमने ये सर्कल बनाया है तो इस सर्कल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रही है, ठीक है, वो एंगल मायने रखता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, और डॉट खोलेंगे तो कोस थीटा। नेक्स्ट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो ये जो फ्लक्स है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वेबर। एसआई यूनिट तो है वेबर, और सीजीएस यूनिट क्या है इसकी? मैक्सवेल। तो फ्लक्स की सीजीएस यूनिट क्या है? मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल? वेबर में और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है? वन वेबर किसके इक्वल होता है? 10^8 मैक्सवेल के इक्वल। वन वेबर किसके इक्वल हो जाएगा? 10^8 मैक्सवेल। वेबर फ्लक्स की एसआई यूनिट है, मैक्सवेल फ्लक्स की सीजीएस यूनिट है। तो वन वेबर किसके इक्वल हो गया? 10^8 मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? इन्होंने ये नहीं कहा है कि इनमें से कौन सी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, इन्होंने कहा है कौन सी नहीं है। तो इसके लिए तो हमें फ्लक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला वो क्या होता है? बी डॉट ए। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स, अगर कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है? एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहां से बी का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स डिवाइड बाई क्यू वी, और एरिया एज इट इज। अब इसके यूनिट पुट कर लेते हैं। जो फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट क्या होगी? वर्क डन की यूनिट। वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई? वर्क डन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और डिस्प्लेसमेंट की? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की हो गई यहां पर मीटर। तो यहां पर फोर्स की जगह हम क्या लिख देंगे? जूल पर मीटर, जो हमने इस फॉर्मूले से निकाल ली है, इसके डिवाइड में आएगा मीटर। तो जूल पर मीटर। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई टाइम। चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट, करंट की यूनिट एम्पियर, और टाइम को इस साइड ले जाओ तो एम्पियर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे जूल एज इट इज रख लिया। अब सेकेंड और पर सेकेंड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। रह गया क्या? मीटर। मीटर से ये वाला मीटर कैंसल। अब यहाँ पे मीटर की पावर प्लस वन है, यहाँ पे माइनस वन, तो क्या आ गई? जूल पर एम्पियर। तो इसकी एक यूनिट तो आ गई ये वाली, जूल पर एम्पियर।
अब हमने जूल पर एम्पियर निकाल लिया, वेबर किसके इक्वल हो गया, जूल पर एम्पियर। अब हम इसकी नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, जूल एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर का मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, तो एम्पियर किसके इक्वल हो गया, चार्ज के लिए कूलम, और टाइम कहाँ पर नीचे है तो नीचे से कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट यूनिट क्या होगी इसकी, जूल सेकंड डिवाइड बाय कूलम, तो ये वाले जूल सेकंड डिवाइड बाय कूलम, तो इसका सी ऑप्शन भी ठीक है और ए ऑप्शन भी ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपली हमने पढ़ा, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वी पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, तो वर्क डन की यूनिट हो गई जूल, पोटेंशियल की हो गई वोल्ट, और चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। तो यहां पे जूल डिवाइड बाय कूलम किसके इक्वल आ गया, वोल्ट के इक्वल आ गया। तो देखो सी ऑप्शन के अंदर जूल डिवाइड बाय कूलम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, और ये क्या है सेकंड, और सेकंड ऑप्शन से बन गया हमारे पास थर्ड ऑप्शन। तो यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन से हमने डिराइव किया थर्ड ऑप्शन सी, और थर्ड ऑप्शन से हमने डिराइव कर दिया सेकंड ऑप्शन। तो इसकी ये तीनों ही यूनिट है, कौन सी यूनिट नहीं है, डी। क्यों नहीं है, क्योंकि वेबर तो किसके इक्वल होता है, जूल पर एम्पियर होता है, ना कि जूल पर एम्पियर स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस वन होना चाहिए था। नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ का फॉर्मूला किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। फैराडे ने क्या बताया था कि ईएमएफ किसके इक्वल होगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज मतलब कि फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम। और जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू हमने वन पुट कर दिए, और साथ में एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन को फैराडे ने नहीं दिया था, नेगेटिव साइन दिया था लेंज ने। इसने बताया था कि अगर किसी भी मटेरियल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली जो फील्ड होगी, ये इस कॉइल के अंदर ईएमएफ बना रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस कॉइल में ईएमएफ बना दी, तो ये ईएमएफ क्या है, इसके लिए धोखेबाज की तरह काम करती कि इसने तो इसकी मदद की, इसके अंदर ईएमएफ पैदा कर दी, और ये वाली कॉइल इसका अपोज कर देती है, अपोज करने के लिए मींस इसी के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। ये कॉइल इसको सपोर्ट कर रही है इसके अंदर ईएमएफ बनाने में, और ये कॉइल इसका अपोज कर रही है। तो यही चीज क्या, किसके थ्रू हम शो करते हैं, नेगेटिव साइन के थ्रू। नेगेटिव साइन किसने दिया था, लेंजला ने दिया था, और लेंजला कौन सा ला फॉलो करता है, लेंजला फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंजला के अकॉर्डिंग एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। अगर एक मैग्नेट के नजदीक लाने से एक कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, यहाँ पर इसका मतलब है कि मैग्नेट को नजदीक लाने में हम जो फोर्स लगा रहे हैं, और मैग्नेट में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही वर्क डन इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व हो गई, ना तो हमने एनर्जी को क्रिएट किया है, ना ही हमने एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया है, हम एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला कौन सा है इसमें से, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज किसके इक्वल होती है, आई आर, तो इसका सेकेंड वाला ये फॉर्मूला भी होता है, E इज इक्वल टू आई आर। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन, ईएमएफ का एक और फॉर्मूला क्या होता है, बी एल वी। ये फॉर्मूला कब आता है कि जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, कंडक्टर को हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है, तो इसकी वजह से कंडक्टर में करंट बन जाएगा, और करंट बनने से पहले ईएमएफ बनेगी, तो उस ईएमएफ वो कितनी ईएमएफ बनेगी, बी एल वी, और करंट कितना बनेगा, बी एल वी डिवाइड बाई इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, बी एल वी बाई आर। तो इसके सारे ऑप्शंस है ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाई,
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम कौन से रूल से बताते हैं? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भी और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग भी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज भी हम करंट की डायरेक्शन के लिए करते हैं और लेंज लॉ का यूज भी करते हैं, तो मींस ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट इन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया है, ए वायर ऑफ लेंथ, लेंथ दे दी है 0.5 मीटर, मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे दी इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये यूनिट्स है सारी एस आई यूनिट है, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, फिर इसके अंदर ये चेक करो कि क्या वो सारी एसआई यूनिट है और फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। इज इक्वल टू बी एल वी, बी की वैल्यू पुट कर दी, एल की वैल्यू पुट कर दी और वी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी? 1 वोल्ट इंड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी एलिमिनेट एडी करंट, क्या हम एडी करंट को एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, नो वी कैन नॉट एलिमिनेट एडी करंट, हम एडी करंट को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते बट उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था थ्योरी के अंदर जब हमने उसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसमें हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जब हम एक कोई भी मेटल की प्लेट लेते हैं और उसका उसके अंदर से स्लॉट्स काट देते हैं, तो उस स्लॉट्स के काटने से उसका एरिया है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और एरिया के कम होने से वहां पर क्या हो जाएगा? एडी करंट रिड्यूस हो गया है। तो हम एडी करंट को एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टी इज द टाइम टेकन बाय द मैग्नेट टू फॉल थ्रो एयर, जैसे यहाँ पर हम एयर कंसीडर कर लेते हैं, एयर है, अब यहाँ पर अगर एक मैग्नेट फॉल हो रहा है नॉर्थ और साउथ वाले, ये मैग्नेट गिर रहा है, ठीक है, तो इसको गिरने में टाइम लगता है टी। दूसरा हम कंसीडर कर लेते हैं कि मैग्नेट फॉल होता है थ्रो एल्यूमिनियम पाइप, ये वाला पाइप किसका है? एल्यूमिनियम का बना हुआ पाइप, यहाँ पे क्या थी? एयर थी। अब जब एल्यूमिनियम के पाइप के अंदर से मैग्नेट नीचे गिरेगा, एल्यूमिनियम तो क्या है? एक मेटल है, मेटल है तो ये क्या करेगा? जैसे ही मैग्नेट नीचे गिरेगा, मैग्नेट गिर रहा है तो एल्यूमिनियम के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगी, और वो ईएमएफ कैसी बनेगी कि एल्यूमिनियम के अंदर ईएमएफ बनी है तो जिसने इस ईएमएफ को बनाया उसी का अपोज करेगी। किसने बनाया है? इस मैग्नेट ने बनाया, तो इस एल्यूमिनियम वायर की जो ईएमएफ है इस मैग्नेट का अपोज करेगी, मींस इसको जल्दी से नीचे नहीं गिरने देगी, इसको ऊपर ही रखने की कोशिश करेगी। अब मैग्नेट तो नीचे गिरेगा ही, तो थोड़े से ज़्यादा टाइम के बाद गिरेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी इज ग्रेटर देन टी, क्यों? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, क्योंकि एल्यूमिनियम पाइप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाते और उसकी वजह से एडी करंट बन जाता है, तो इसकी वजह से उसको ज्यादा टाइम लगता है नीचे फॉल होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम किसको बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस को बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया, इनर्शिया का मीनिंग क्या होगा? रेजिस्ट करने की एबिलिटी, रेजिस्ट करने की एबिलिटी, रेजिस्ट मतलब कि रोकने की एबिलिटी, कि अगर हम यहां पर बैठ गए हैं और हमें कोई मूव करवाना चाहता है, अब हम बैठ के हम नहीं उठना चाहते तो हम क्या करेंगे? उसका अपोज करेंगे, तो हम जो अपोज कर रहे हैं ना वो उसी को हम बोलते हैं रेजिस्ट करने की एबिलिटी, मतलब इनर्शिया। तो इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या है जो खुद ही अपोज कर रहा है अपने अंदर चेंज को? तो जो इंडक्टर होता उसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या करती है? सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स एक इंडक्टर है उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो उस करंट का अपोज करेगी, खुद के अंदर जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसी करंट का वो क्या कर देती है? अपोज, और अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ बना देती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? सेल्फ इंडक्टेंस हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स में और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन है? फाई इज इक्वल टू एल आई। एल क्या है यहाँ पे? सेल्फ इंडक्टेंस। और आई क्या है यहाँ पर? करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? एल की यूनिट के लिए हमें फाई की यूनिट पता होनी चाहिए। फाई की यूनिट जितनी भी है, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी थी, वो 3 यूनिट्स है फाई की। तो वहां से हम फाई की यूनिट रख देंगे और नीचे हमने करंट की यूनिट रख दी है एम्पियर। तो वहां से हमने जो थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन था हमारा बी ऑप्शन, वोल्ट सेकंड, ये वाली यूनिट उठा लिए, वोल्ट सेकंड डिवाइड बाई एम्पियर। कोई और भी पुट कर सकते हो, जैसे फ्लक्स की होती है वेबर और करंट की होती है एम्पियर, तो क्या हो जाएगा? वेबर पर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू ई। यहाँ पे क्या होता है, देखो फाई किसके इक्वल होता है? एल आई। और ई एम एफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो एल कॉन्स्टेंट है बाहर, अंदर क्या बच गया? डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से एल किसके इक्वल आ गया? ई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी। और डी टी कहाँ पर चला गया? ऊपर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एल इज इक्वल टू ई डी टी बाई डी आई। ई एम एफ, अब हमें पता वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई चार्ज। वोल्टेज का मतलब ईएमएफ हो गई। तो यहाँ पे देखो ईएमएफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो ईएमएफ की जगह हमने लिख लिया वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। और टाइम और करंट एज इट इज है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। अब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम्पियर टाइम। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एम्पियर टाइम। अब टाइम के लिए हम यहाँ पे एक टी और लगा देंगे, यहाँ पे एक टी और आएगा। तो उसके बाद नीचे फिर हमने चार्ज का रख लिया एम्पियर टाइम और करंट का क्या हो गया? एम्पियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम एल स्केयर टी माइनस टू ए माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, इस तरह से ये जो लंबा सोलेनोइड है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने थ्योरी में पढ़ा था, क्या होता है? म्यू नॉट एम स्केयर ए। ए क्या होगा? इसका एरिया, ये जो एरिया है वो ए, और डिवाइड बाय इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ हमने ली है स्मॉल एल। तो वो क्या हो जाएगा? इसकी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू कॉइल्स हैज इंडक्टेंस 3 हेनरी एंड 5 हेनरी। दो कॉइल्स दी हुई है, एक कॉइल जिसकी जो इंडक्टेंस है 3 हेनरी है और दूसरी कॉइल जिसकी इंडक्टेंस कितनी है? 5 हेनरी है। अब उन दोनों कॉइल्स को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने का मतलब इस तरह से हमने उनको मिला दिया। तो अब यहाँ पर इसकी टोटल इंडक्टेंस कितनी होगी? टोटल इंडक्टेंस होगी एल वन प्लस एल टू। सीरीज के अंदर इंडक्टेंस क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ऐड करेंगे 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर यही पैरेलल में लगी होती, पैरेलल में लगने से जो इसका फॉर्मूला वो क्या होता है? 1/LP = 1/L1 + 1/L2। तो ये तो होता है सेल्फ इंडक्टेंस इन पैरेलल। और सीरीज के अंदर क्या हो जाएगा? सिंपल ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? अब प्योर इंडक्टर का मतलब देखो, जैसे ये वायर है, वायर सीधी हो गई बिल्कुल, इस वायर को फोल्ड कर दो कॉइल्स की फॉर्म में, तो ये क्या बन गया? इंडक्टर बन गया। अब जो ये वायर है, अगर हम मान ले कि इसका खुद का रेजिस्टेंस 0 है, अगर वायर का रेजिस्टेंस 0 है तभी ये प्योर इंडक्टर बनेगा, और तभी इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, वायर का रेजिस्टेंस XL होगा, सिर्फ XL। अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि कोई वायर हम ले और उसका रेजिस्टेंस 0 हो, वायर का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, और इसीलिए प्योर इंडक्टर भी पॉसिबल नहीं है।
लेकिन अगर फिर भी पूछते कि प्योर इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो प्योर इंडक्टर के अंदर सिर्फ रिएक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन फिगर द बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट व्हेन। इस फिगर के अंदर जो बल्ब है वो एकदम से ब्राइट कब होगा, जब हम कॉन्टेक्ट को ब्रेक कर देंगे। जब हम एकदम से, ये कॉन्टेक्ट पहले बना हुआ था, जब हम यहाँ से इस कॉन्टेक्ट को ओपन कर देंगे, तो ओपन करते ही क्या होगा, करंट जीरो होने की कोशिश करेगा, एकदम से जीरो होने की कोशिश करेगा, तो ये जो इंडक्टर है इसका अपोज करेगा। इंडक्टर अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर की जो EMF है उसको सेम डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, और जिसकी वजह से बल्ब है वो एकदम से ब्राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, ए मैग्नेट इज अलाउड टू फॉल थ्रू ए मेटालिक रिंग, मींस एक मेटल की रिंग बनी हुई है और वहां से एक मैग्नेट को फॉल करवाना है, उस रिंग के अंदर से फॉल करवाना है। ड्यूरिंग फॉल इट्स एसिलेशन इज, अगर हम एयर के अंदर मैग्नेट को फॉल करवाएंगे तो उसका डाउनवर्ड में एसिलेशन कितना होगा, जी। बट जब वही मैग्नेट एक मेटल की बनी हुई रिंग के अंदर से फॉल होगा तो उसका एसिलेशन होगा लेस देन जी। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो मेटल की रिंग है वो क्या करेगी, अब मैग्नेट इसके अंदर से फॉल होगा, जब मैग्नेट इसके अंदर से फॉल होगा तो इस रिंग के अंदर जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से EMF चेंज होगी, और उस EMF की पोलैरिटी ऐसी होगी कि वो इस मैग्नेट का ही अपोज करेगी, तो मैग्नेट नीचे गिर रहा है और जो इस रिंग के अंदर EMF इंड्यूस हुई उसकी पोलैरिटी इस मैग्नेट का अपोज करने के लिए इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगी, मींस ऊपर की तरफ ही मूव करवाएगी, जबकि मैग्नेट नीचे आना चाहता है, तो इस वजह से जो इसका एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। यहाँ पर जो ये एक्स का सिंबल है ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी है एंड डायरेक्टेड इन टू द पेपर, मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट थ्रो द आर, आर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हमारे पास कंडक्टर स्ट्रेट होता है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देंगे और हम देखेंगे कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर वहीं पर कंडक्टर की जो शेप है वो स्ट्रेट ना होकर सर्कुलर मोशन में हो जाए, अगर कंडक्टर हमारा सर्कुलर हो तो उस केस में जो हमारा थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन शो करेगी, मींस इन दोनों में उल्टा होता है। अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो करंट थंब की डायरेक्शन शो करेगा और फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की, और अगर वहीं पर जो कंडक्टर है वो रिंग की फॉर्म में है तो हमारा थंब मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो इस केस में देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड में, तो हमें चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो उसकी डायरेक्शन हो अपवर्ड में। तो अपना राइट हैंड उठाकर देखो कि थंब ऊपर कब होता है, हमारा थंब ऊपर की तरफ कब होगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया। थंब ऊपर कब होता है, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। उस टाइम पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग के अंदर इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x टू y। R के अंदर करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम x टू y। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा x टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंडक्टर ईच ऑफ इंडक्टेंस L, दो इंडक्टर दिए हुए जिसकी इंडक्टेंस है L, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो इंडक्टर जिनकी इंडक्टेंस है
एल, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अगर इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो टोटल जो इंडक्टेंस होगी वो कितनी होगी? तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/L1 + 1/L2, दोनों ही L के इक्वल हैं, तो एलसीएम आ गया L, 1 + 1 कितना आ गया 2/L। ये तो 1/LP की वैल्यू आई है, तो LP किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, L/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कोइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी, अगर उसकी सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू कितनी दे दी है, 5 हेनरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब है DI/DT, इसकी वैल्यू है 2 एम्पियर पर सेकेंड। द EMF इंड्यूस्ड, EMF का फॉर्मूला क्या होगा, EMF का फॉर्मूला क्या होता है, -L DI/DT। अब माइनस L की वैल्यू है 5 और DI/DT की वैल्यू है 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -10 वोल्ट। तो यहां पे आंसर आ जाएगा -10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो टू कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 N1 N2 A/L। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय, किसी भी इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ½ LIa2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ पोल ऑफ ए लॉन्ग हॉरिजेंटल बार मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू वर्टिकल कंडक्टिंग प्लेन, एक प्लेन है हमारे पास और उसके पास हम एक बार मैग्नेट लेकर आते हैं, और कौन सा पोल लेकर आते हैं हम उस बार मैग्नेट का, नॉर्थ पोल लेकर आते हैं। द इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टिंग प्लेन इज, तो इस प्लेन के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि क्या होता है, फैराडे ने ये बताया था, सबसे पहले तो फैराडे ने कहा कि जब एक मैग्नेट कॉइल के नज़दीक आता है तो इस मैग्नेट की वजह से इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो मतलब फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स के बनने से EMF बनेगी, EMF के बनने से करंट बनेगा। और लेंज ने फिर ये बोल दिया, जो ये करंट बनेगा उसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी कि वो इस मैग्नेट को पास आने से रोकेगा, मैग्नेट का अपोज करेगा, और मैग्नेट का अपोज करने के लिए इसको नॉर्थ पोल इंड्यूस करना पड़ेगा ताकि नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन हो और जो ये मैग्नेट है वो दूर चला जाए। अब नॉर्थ पोल इंड्यूस करने के लिए इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट यहाँ पर नॉर्थ पोल क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करेगा तो कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोल आएगी, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स किसके इक्वल होगी, 2x the number of turns in primary coil, number of turns in secondary is equal to 2x the number of turns in primary। और यहाँ पर एक लेंचे सेल रखी हुई है, प्राइमरी के अंदर कनेक्ट कर दिया है लेक लेंचे सेल को, जिसकी वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कितनी वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो देखो, सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज कितनी इंड्यूस होगी, मींस ES की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ES की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उससे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि ये लेक लेंचे सेल क्या होती है। लेक लेंचे सेल का मतलब होता है DC सेल, जो डायरेक्ट करंट देगी। और हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो सिर्फ AC पर वर्क करता है, DC पर वो वर्क ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर लेक लेंचे सेल के लिए कोई भी एक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0 वोल्ट। सेकेंडरी के अंदर कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एम की वैल्यू कितनी होगी वेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाई 2 × 10⁻⁶ वेबर।
चेंज इन करंट इज दिस मच. तो यहाँ पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है. अब फाई का फॉर्मूला होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी. एम निकालना है तो एम किसके इक्वल हो जाएगा, फाई डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी. फाई की वैल्यू इन्होंने दे दी है 2 × 10⁻², और डी आई बाई डी टी की वैल्यू दी है 0.01. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर आ गया 10⁻², 10⁻², से -2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 2 हेनरी. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 हेनरी. प्योर इंडक्टेंस ईच ऑफ 3 हेनरी, इनमें से जो 3 इंडक्टर दिए हुए तीनों की जो इंडक्टेंस है वो 3 हेनरी है, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस. अब हम सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं ये वाला कॉम्बिनेशन किसका होता है, पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है. और पैरेलल के अंदर इंडक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/L + 1/L + 1/L सभी को ऐड कर दो. यहाँ पे सभी की वैल्यू 1/3 है, तो मींस 3 है तो कितना आ जाएगा 1/3, 1/3, और टोटल कितना आ गया यहाँ पर 1 हेनरी. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 हेनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉन्ग सोलेनोइड हैज 800 टर्न्स पर मीटर लेंथ ऑफ सोलेनोइड. नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ, इंपॉर्टेंट वर्ड है पर मीटर लेंथ. अब पर मीटर लेंथ का मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दे दी इन्होंने 800. एक करंट ऑफ, करंट की वैल्यू कितनी दे दी 1.6 एम्पियर, फ्लोज थ्रू इट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड. अब निकालना कहाँ पर है, एंड के ऊपर. तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा सोलेनोइड के अंदर, म्यू नॉट एन आई. अब सबसे पहले तो हम म्यू नॉट एन आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 16 × 10⁻⁴ टेस्ला. अब जैसे ही ये आंसर आएगा और तुम मार्क कर दोगे ऑप्शन नंबर बी. बट अब स्टेटमेंट के अंदर ध्यान से पढ़ो क्या पूछा इन्होंने, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड. एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू. तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई इसके डिवाइड में 2 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8 × 10⁻³. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ आर सी, जो आर है और सी है, आर सी के डायमेंशन क्या होंगे. आर सी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आर सी क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट होता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M0L0T1. ये हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा था. तो आर सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, M0L0T1. तो आर सी क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पर देखो, एक तो आर सी होता है टाइम कॉन्स्टेंट, और इंडक्टर के केस में क्या होगा, L/R, इसको हम टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं. तो L/R का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M0L0T1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विद ए सोलेनोइड. एक बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, किसके सीरीज में, सोलेनोइड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और एसी सोर्स लगा दिया. यहाँ पर सोर्स कौन सा हो गया, एसी सोर्स हो गया. इफ ए सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड, अगर हमने इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दी, तो उस टाइम पे क्या होगा, सॉफ्ट आयरन कोर डालने पर विल द बल्ब ग्लो, बल्ब के जो ग्लो होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. देखो जैसे ही हम इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डालेंगे, तो सॉफ्ट आयरन कोर डालते ही इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी. फ्लक्स ज़्यादा चेंज होगी तो फ्लक्स का फॉर्मूला है LdI/dt. तो यहाँ पे L की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो अपोज करने के लिए वो भी क्या होगा, अपोज भी बढ़ गया ना. जैसे ही फ्लक्स बढ़ा, उसको अपोज करने के लिए जो इंडक्टर ने सेल्फ इंडक्टेंस होती है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर दी. अब अपोज करने के लिए अगर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, एल की वैल्यू इंक्रीज हो गई, अगर एल इंक्रीज हो गया तो हम क्या बोलेंगे, एक्स एल बढ़ गया,
एक्सएल क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और करंट डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब बल्ब विल ग्लो डिम, डिमर, जो बल्ब होगा वो डिम हो जाएगा, उसके अंदर लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का इलेक्ट्रिकल एनालॉग क्या होता है, तो यहाँ पर ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट का एनालॉग क्या होगा, चार्ज होगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम अगर वेलोसिटी की टर्म में देखो तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, डी एक्स बाई डी टी, तो जो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और चार्ज का डेरिवेटिव करेंगे तो करंट आएगा, तो वेलोसिटी का एनालॉग क्या होता है, यहाँ पर करंट होता है। नेक्स्ट है, मेटल डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जैसे हम कोई एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम के अंदर जो वो मेटल डिटेक्टर की हेल्प से ये चेक करते हैं कि हमारे पास कोई मेटल का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो उस मेटल डिटेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस प्रिंसिपल का वो मेटल डिटेक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अंडर रूट एल सी, जो अंडर रूट एल सी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब यहां पर हमने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू, जो रेजोनेंस कंडीशन थी किसके इक्वल था, अंडर रूट एल सी, वन बाई अंडर रूट एल सी, और अंडर रूट एल सी किसके इक्वल होगा, वन बाई ओमेगा। 1 बाई ओमेगा का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू, 1 बाई 2 पाई म्यू, और 1 बाई 2 पाई म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टी डिवाइड बाई 2 पाई, तो इसका मतलब अंडर रूट एल सी किसके इक्वल हो गया, टी, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ किसके इक्वल आ गया, वो टी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कितना हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी वन। वट आर डायमेंशन ऑफ R बाई एल, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया था कि L बाई R का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M0 L0 T1, क्योंकि ये टाइम कांस्टेंट है, इन्होंने पूछ लिया R बाई L का, तो कितना हो जाएगा M0 L0 T माइनस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज ऑन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी टू हाफ, अगर हम फ्रीक्वेंसी को पहले के कंपैरिजन में हाफ कर दें तो उसके अंदर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है xc की वैल्यू वो कितनी चेंज हो जाएगी। अब जो xc होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा सी मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड में आएगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा xc डैश, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, न्यू डैश, और न्यू डैश की वैल्यू कितनी है, न्यू बाई 2, तो यहाँ पर 2 ऊपर चला गया तो कितना आ गया, न्यू बाई 2। अब जो ये 1 बाई न्यू है वो किसके इक्वल है, xc के इक्वल, यहाँ पर देखो 1 बाई न्यू किसके इक्वल है, xc के इक्वल, तो 1 बाई न्यू को मैं xc लिख सकती हूँ, अगर यहाँ पर 1 बाई न्यू को हमने एक्स सी लिख दिया तो एक्स सी डैश किसके इक्वल आ गया, एक्स सी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स सी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इन केस ऑफ कैपेसिटर, तो रेजिस्टेंस बिकम्स ट्वाइस। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, कैपेसिटर के अंदर पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, कैपेसिटर में पावर फैक्टर होता है जीरो। क्वेश्चन है, व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट, अब हमारे होम्स में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट, और ये जो 220 वोल्ट है ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब पीक वैल्यू में और आरएमएस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, पीक वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आरएमएस, ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नोट बाई रूट टू, तो ई नोट किसके इक्वल हो जाएगा, रूट टू ई आरएमएस, और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है, 220। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 311 वोल्ट, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 311 वोल्ट।
नेक्स्ट व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है 1 और मिनिमम कितनी हो सकती है 0। 0 किस में होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट इन विच वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय, वोल्टेज और करंट का फॉर्मूला दिया हो और यहां पर हमें बताना है पावर डिसिपेशन कितना होगा। तो अब ये देखो जो यहाँ पर करंट है वो वोल्टेज से माइनस मीन्स पाई बाई टू से पीछे है, लैग कर रहा है वोल्टेज से माइनस पाई बाई टू। तो ऐसा किस केस में होता है, ये इंडक्टर के केस में होता है। इंडक्टर के केस में जो करंट होता है वो वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे होता है। तो उस केस में इंडक्टर में जो पावर डिसिपेशन है वो कितनी होती है 0। तो यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पावर डिसिपेशन कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट करंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करंट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कौन सा करंट यूज किया जाता है। तो कौन सा करंट होता है, डीसी करंट होता है, बट वाई एसी करंट क्यों नहीं यूज कर सकते। हम एसी करंट को इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होगी उनका जो पोटेंशियल होगा हमें फिक्स करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर हमने एसी यूज कर लिया, एसी तो अपनी साइकिल खुद ही चेंज करता रहता है, तो उसके अंदर भी एक बार ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम कौन सा करंट यूज करते हैं, डीसी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड डिपेंड्स अपॉन, जो अल्टरनेटिंग करंट हम जनरेट करते जनरेटर की हेल्प से, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किन पर डिपेंड करती, वोल्टेज पर, करंट पर, स्पीड ऑफ रोटेशन पर, आल इसी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड करेगी। ना तो हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते टाइम वहां पर हम करंट तो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए हम वोल्टेज बाहर से दे रहे हैं, तो ना तो हम वोल्टेज दे रहे ना करंट दे रहे, तो उन पर डिपेंड कहाँ से करेगी, डिपेंड किस पर करती है, सिर्फ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन विच करंट, कौन से करंट पर ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन ओनली ऑन एसी करंट के ऊपर ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है, जब ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है तो ट्रांसफॉर्मर के पास से जब वो वर्क कर रहा होगा तो वहाँ पर जो थोड़ी सी नॉइस होती है, हमिंग नॉइस बोलते हैं, उस हमिंग नॉइस को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफॉर्मर स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट, अब जो 220 वोल्ट से वो कितनी कर देता है 11 वोल्ट, 220 वोल्ट कौन सी हो गई, फिर प्राइमरी वोल्टेज हो गई, और कितनी कर देता है इस वोल्टेज को, वो कर देता है 11 वोल्ट कर देता है। तो फिर हमें बताना है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसको किसके इक्वल होगा। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो क्या होता है, के की वैल्यू होती है, और के का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर के इज इक्वल टू होता है ई एस इज इक्वल टू के ई पी, तो के किसके इक्वल हो गया, ई एस बाई ई पी, ई एस की वैल्यू है 11 और ई पी की वैल्यू है 220, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/20, 1/20 का मीनिंग क्या होगा 0.05, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05, और K की कोई यूनिट नहीं होती है, तो 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रांसफॉर्मर विथ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मीन्स K की वैल्यू दे दे 0.1, 220 वोल्ट एसी इज फेड टू प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर हमने कितनी वोल्टेज दे दी है 220 वोल्ट, व्हाट वोल्टेज इज ऑब्टेंड अक्रॉस सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के अक्रॉस कितनी वोल्टेज हम ऑब्टेंड करेंगे, और ई एस का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था किसके इक्वल होता है ई पी के इक्वल, अब ई पी की वैल्यू है 220 और के की वैल्यू है 0.1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 22 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल कनेक्टेड इन सीरीज टू ए एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। तो उस टाइम पे पावर फैक्टर कितना होगा? तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस फाई, जो किसके इक्वल होगा? ट्रू पावर डिवाइड बाई अपारेंट पावर। ट्रू पावर डिवाइड बाई अपारेंट पावर। ट्रू पावर किसकी होती है? आर की, और अपारेंट पावर जेड। अब यहाँ पे जेड किसके इक्वल है? अगर जेड के जेड आर एल और सी दिया होता है तो किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्केयर। बट यहाँ पर सिर्फ R और L दिया है तो किसके इक्वल हो जाएगा? R स्केयर प्लस एक्स एल का स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा? कोस फैक्टर, पावर फैक्टर की वैल्यू। तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ द थ्री सिचुएशन। तीनों सिचुएशंस में दिखाया गया कि टू सर्कुलर कॉइल्स को हम किसी भी तरह से अरेंज कर सकते। देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम इन सिचुएशन फर्स्ट। क्या फर्स्ट सिचुएशन में मैक्सिमम होगी, सेकंड में होगी या थर्ड में होगी या तीनों में सेम होगी? तो यहाँ पर देखो, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M, वो मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम तब होगी जब वहाँ पर फ्लक्स का लीकेज क्या होगा? सबसे एक मिनिमम होगा। जब फ्लक्स लीकेज मिनिमम है, मिनिमम का मतलब जो एक कोइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरी में भी वही सारा फ्लक्स चेंज होकर जाए। अब जो फर्स्ट सिचुएशन है इसी के अंदर ऐसा हो रहा है कि इनमें से एक कोइल में जो फ्लक्स चेंज होगा वो कम्प्लीटली दूसरे के अंदर अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स की लीकेज क्या है? फ्लक्स की लीकेज हो जाएगी बहुत ज़्यादा स्मॉल, मिनिमम है। फ्लक्स की लीकेज मिनिमम है इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द क्लोज लूप एन ईएमएफ वी वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द लूप द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू कूलम वंस अलोंग द लूप इज। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। चार्ज किसके इक्वल होगा? क्यू, और पोटेंशियल कितना है? वी। तो यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू। वी के इक्वल यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन है, हॉट वायर एमीटर रीड्स 10 एम्पियर। एक एमीटर है जो हॉट वायर एमीटर है, ठीक है, वो कितनी रीडिंग शो करता है? 10 एम्पियर। इन एन एसी सर्किट द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी? जो ये हॉट वायर एमीटर होता है ये किसके ऊपर वर्क करता है? रीड्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये करंट की आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर डिपेंड करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो कितना होगा? आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट किसके इक्वल आ जाएगा? रूट टू आई आरएमएस। आई आरएमएस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? आई आरएमएस की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 रूट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट वायर एमीटर आर यूज फॉर मेजरिंग। किसके लिए मेजर किया जाता है? अभी हमने स्टडी किया था कि जो हॉट वायर एमीटर होता है वो आरएमएस वैल्यू को स्टडी करता है, आरएमएस वैल्यू के ऊपर वर्क करेगा, या फिर बोल दो आरएमएस वैल्यू को रीड करेगा। अब जो आरएमएस वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? हीट प्रोड्यूस्ड पर। अब करंट चाहे एसी हो या डीसी, हीट तो प्रोड्यूस होगी, करंट की डायरेक्शन हीट के लिए मायने नहीं रखती है। तो जो हॉट वायर एमीटर हो गए वो दोनों के लिए वर्क करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, ये इनमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इंडक्टर जिसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप है 75 वोल्ट, कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप है 75 वोल्ट, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप है 50 वोल्ट। व्हाट इज पावर फैक्टर ऑफ सर्किट? सर्किट का पावर फैक्टर कितना है? तो पावर फैक्टर ऑफ सर्किट कितना होगा? अब इस केस में देखो, जो इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप है उतना ही कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप है, तो दोनों में वोल्टेज ड्रॉप सेम हो गया। तो इस सिचुएशन के अंदर हम बोल सकते हैं XL इज इक्वल टू XC। अगर XL और XC दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे Z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? सिर्फ R के इक्वल हो जाएगी।
और जो पावर फैक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई जेड। तो यहाँ पे आर हो गया और जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल। तो आर से आर कैंसिल, कितना आ गया, वन आ गया। तो यहाँ पे पावर फैक्टर, इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा, वन होगा।